मैं हूँ आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऊर्जा सेना में अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या। बंद पड़ी चीनी मिल में मिला युवक का लहूलुहान शव। अग्निवीर की तैयारी कर रहा था नरेश। ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर पुलिस से की हत्याकांड के खुलासे की मांग। मृतक के भाई सोनू ने पुलिस को दी तहरीर। गांव के ही लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। पुलिस मामले की गंभीरता से कर रही है जांच। जहांगीर थाना क्षेत्र के गाँव भुन्ना चाटान का मामला। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? संजय कुमार। क्या हुआ था आपस में? ये हुआ था जी, दोनों जने बाइक पर बैठे थे, हरकत जहांगीरपुर गए थे दोनों जने बातचीत करते हैं। वहाँ पे पता होना जी, पर सुबह को पता चली थाने तो पुलिस गई ना जी, मर्डर है हुआ नरेश को, उसके दोस्त ने उसमें गोली मार दी जी। और कुछ पता होना है पूछताछ में, और जैसा आप देख रहे हैं घटनास्थल में देखने से ये सारी चीज़ों का सारांश ये निकला है कि पांच लड़के जो तीन इस गांव के हैं और दो अलीगढ़ के रहने वाले हैं, ये शराब की दुकान से शराब लेकर के आते हैं और यहाँ विराम सी जगह है, यहाँ बैठ करके शराब पीते हैं और शराब पीने के दौरान कहाँ से और जिसके बाद ये घटना घटी है। अंदर की पूछताछ से जानकारी मिली है, मृतक है उसके और जिसने मारा है जिसके यहाँ ये काम करता था, उसके पत्नी के साथ अवैध संबंधों की बात एक चर्चा में आई है। अभी इस पर साक्ष्य इकट्ठे किए जा रहे हैं कि इसकी सच्चाई क्या है, और अभी मृतक के परिजनों की तरफ से तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिल जाए तो मुकदमा कायम करके आगे पर कार्यवाही की जाएगी। सूचना के बाद पुलिस आती है और अरेस्टिंग तो यही गांव से ही की हुई है और इनके जो घटना में प्रयुक्त आलोक है वो भी पास से बरामद होता है। कार्य बरामद होता है तमाम चलता है।